आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ब्लॉगर और पोस्ट को आपने अलग अलग किस तरह गूगल पे लाना है, तो सब कुछ वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर ये वाली आप गलती करते हैं तो आपको एडसन का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो वो वाली गलती आपने नहीं करनी है, ठीक है? तो वो आपने वीडियो लाजमी देख लेनी है अगर आप एडसन का अप्रूवल लेना चाहते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी हमने ब्लॉगर को गूगल पे लाना है, तो गूगल पे लाने के लिए सबसे पहले तो आपने इस वेबसाइट के अंदर आ जाना है, ठीक है? इस वेबसाइट का लिंक मैं कमेंट के अंदर दे दूंगा, ठीक है? फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन किया होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ से आपने थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे ब्लॉगर URL लिखे, यहाँ पे वो वाला ब्लॉगर देना जो आप गूगल पे लाना चाहते हैं। फर्ज करेंगे ये वाला मैं लाना चाहता हूँ, तो इसका लिंक कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जनरेट पे आपने क्लिक कर देना। इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूजर से लेके आपने एंड तक इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि ब्लॉगर के अंदर आना है। ब्लॉगर के अंदर आने के बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है इसके नीचे होगा, यहाँ पे ऑन का ऑप्शन है, इसको आपने ऑन कर देना है, ठीक है? इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये सेव हो चुका है। रुको जरा, सबर करो। अभी आपने गूगल सर्च कंसोल वेबसाइट के अंदर जाना है, ठीक है? ये जितने भी मैं वेबसाइट बता रहा हूँ ये फर्स्ट कमेंट के अंदर मैं पिन कर दूंगा। ये वाली वेबसाइट के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास अगर काफी सारे ब्लॉगर शो हो रहे हैं तो आपने क्या करना है यहाँ पे एड पे क्लिक कर देना है, ठीक है? जो पहली दफा आ रहे हैं उनको इस तरह के ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पे आपने URL पे क्लिक कर देना है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने वही URL देना जो आप वेबसाइट गूगल पे लाना चाहते हैं। फर्ज करेंगे मैं ये वाली मैंने पहले से कॉपी किया था, तो यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई कर रहा है, ठीक है? वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन शो हो गए। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके तो यहाँ पे HTML टैग्स लिखा है, इस पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने ब्लॉगर के अंदर जाना है और यहाँ पे थीम के अंदर आने के बाद यहाँ पे HTML में जाना है, ठीक है? HTML के जाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे हेडर के नीचे यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पे गाइस मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने सेव कर देना है, ठीक है? जब तक ये सेव हो रहा है तो मैं वेट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेव हो चुका है। सेव होने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है? अगर आपके सामने एरर शो हो तो आपने क्या करना है कि मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है? अगर तो एरर शो हो जाता है तो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है? गाइस आपके सामने अगर इस तरह का एरर शो हो तो आपने क्या करना है कि यहाँ से ओके करके तो यहाँ पे इसको क्या कर देना है कि यहाँ पे डन कर देना है, ठीक है? डन करने के बाद यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी डोमेन जो है आपने इसको इस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है? इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे देखेंगे सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे गो पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है? गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी आपका जो है साइट मैप जो है लग चुका है, ठीक है? अभी हमारे ब्लॉगर को गूगल पे लाने के लिए एक और काम बाकी है। आपने क्या करना है कि साइट मैप पे क्लिक कर देना है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइट मैप .xml यहाँ पे आके लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुल आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने पहले से किया हुआ है। तो अगर आपका सक्सेसफुल हो जाए तो आपका ब्लॉगर गूगल पे आ जाएगा, ठीक है? अभी हमने पोस्ट किस तरह लानी है वो भी मैं बताता हूँ। अभी हम जोन से भी पोस्ट गूगल पे लाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि उसका लिंक जो कॉपी कर लेना है। फर्ज करेंगे ये वाला मैं करना चाहता हूँ तो इसका लिंक कॉपी करके तो यहाँ पे पेजेस के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे आके ऊपर मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है? इंटर करने के बाद अभी हमने गूगल को रिक्वेस्ट करनी है, तो यहाँ पे देखेंगे अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे अभी ये URL जो है गूगल पे नहीं है, ठीक है? यहाँ पे नोट लिखा आ रहा है, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, गूगल को। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे गेट पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अभी भी नोट लिखा आ रहा है, ठीक है? ये क्यों लिखा आ रहा है? यहाँ पे हमने टेस्ट पे आपने कर देना है क्लिक, ठीक है? यहाँ पे लाइव URL जो है, ठीक है, फिर लाइव हो जाएगा हमारा, ठीक है? और 1 से 2 दिन के बाद आपका जो गूगल जो है मतलब कि गूगल पे ये पोस्ट चली जाएगी, ठीक है? तो परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है? हर पोस्ट को अगर आप करेंगे ना तो आपकी गूगल पे रैंक होगी, ठीक है? क्योंकि अगर हमने रिक्वेस्ट भेज दिया तो फिर ही हमारी मतलब कि जाएगी, ठीक है? अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी मतलब के सच से कोई व्यू नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे अभी यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है, ठीक है? जोन से भी पोस्ट है, मोबाइल पे भी हमारा सारा कुछ मतलब के क्लियर हो चुका है, ठीक है? पोस्ट हमारी जा चुकी है। 1 से 2 दिन के अंदर हमारे इस पे व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि हर चीज मैंने एक एक चीज आपको बताई है, ठीक है? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।